हेलो दोस्तों, अनबॉक्स एंड रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं मॉर्फी रिचर्ड्स का आइकॉन फूड प्रोसेसर अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाली हूं। और इसके साथ काफ़ी सारे अटैचमेंट्स भी आते हैं जो 2 ईयर वारंटी के साथ आता है। तो देखिए, स्क्वायर शेप में आता है। यहाँ पर लिखा है मॉर्फी रिचर्ड्स 3 स्पीड के साथ आता है। इसकी जो मोटर है वो 1000 वॉट की है और यहाँ से इसकी स्पीड सेट होती है जो पल्स मोड में भी चलती है। इसके साथ ये लिड आई है जिसमें पावर प्लग दिया गया है। इसकी जो 3 साइड्स हैं वो स्टील कलर दिया गया है और बैक साइड इसका ब्लैक कलर का है। ये छोटा सा चटनी जार है जो 400 ml का है और इसमें 2 ब्लेड दिए गए हैं, तो बैक साइड से कुछ इस टाइप का है। इसमें आप चटनी वगैरह पीस सकते हैं। और ये 1 लीटर का ग्राइंडर जार है जो इसके साथ ही मिला है। ये इसका लिड है और अंदर इसके 4 ब्लेड दिए गए हैं। इसका हैंडल काफ़ी अच्छा है, पकड़ने में ग्रिप बहुत अच्छी है और लिड भी इसका काफ़ी अच्छे से फिट होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट शेक जार है जो 1.5 लीटर का है। ये इसका लिड है और 4 इसमें ब्लेड दिए गए हैं। प्लास्टिक का ये जार है, काफ़ी हल्का है। ये जो जार है ये अनब्रेकेबल नहीं है, ये टूट सकता है। ये इसके साथ अटैचमेंट है, इसका कपलर अलग हो जाता है। इसमें आप मैंगो शेक, कॉफ़ी शेक वगैरह आराम से बना सकते हैं। तो ये जार की जो लिड है ये अच्छे से लॉक हो जाती है इसको जब आप फिट करेंगे। और इसके साथ चाइल्ड सेफ लॉक दिया गया है। ये फूड प्रोसेसर जार है जो काफ़ी बड़े साइज का है, तो इसके अंदर ये स्पिन दे रखा है जिसको आप आराम से ब्लेड लगा के यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये अटैचमेंट्स हैं जिससे आप आटा वगैरह गूंदने के लिए पानी वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसके अंदर फिट हो जाता है। तो इसका जो लिड है ये लॉक नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं, तो इसको पहले लॉक करना पड़ता है इस तरीके से। तो ये इसके साथ शाफ्ट मिली है जिसको हमें अटैच करना पड़ता है ब्लेड्स के साथ। तो अब मैं इस पे ब्लेड लगाऊंगी, तो इसमें हम अनियन वगैरह चॉप कर सकते हैं अच्छे से। अब मैंने चॉपिंग ब्लेड निकाल दिया है और ये नीडिंग ब्लेड है जो प्लास्टिक का है, इसको भी हम शाफ्ट में लगा के यूज करते हैं। इसके साथ ये विस्क अटैचमेंट्स हैं जो बटर या लस्सी बनाने के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, तो इस तरीके से इनको फिट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंच फ्राइज के लिए ब्लेड दिया गया है। इसका जो साइज है वो छोटा बड़ा हो जाता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो ये भी इस तरीके से फिट हो जाएगा। अब ये जो ब्लेड मैं आपको दिखा रही हूँ ये रिवर्सेबल है, ये श्रेडिंग के लिए दिया गया है। इससे आप ग्रेट कर सकते हैं नारियल, अपनी वेजिटेबल्स, या आपको गाजर का हलवा वगैरह बनाना है तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल होती है। इसमें छोटा और बड़ा दोनों ही साइज दिए गए हैं। तो ये भी इस तरीके से ही फिट हो जाती है शाफ्ट पर दोनों साइड से। अब ये स्लाइसिंग ब्लेड मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका भी साइज बड़ा छोटा हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके से सेट हो जाता है। जैसे आपको खीरे के स्लाइस करने हैं गोल, या आलू के, जो भी आपको गोल सब्जियां काटनी है उसके लिए यूज हो जाता है। इसका साइज भी आप मोटा पतला कर सकते हैं। ये सिट्रस जूसर के लिए दिया गया है। तो इस अटैचमेंट के साथ भी लॉक दिया गया है, इसको जब तक आप लॉक नहीं करेंगे ये चलेगा नहीं। लॉक करना बहुत ज़रूरी है और ये इसके ऊपर फिट हो जाता है। इसमें आप ऑरेंज और मौसमी का जूस आराम से बना सकते हैं या लेमन को स्क्वीज कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है आपको कम रखनी पड़ेगी 1 पर। अब ये गाजर वगैरह का जूस बनाने के लिए दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल, इसको इस तरीके से हम फिट करेंगे। और ये इसका लिड है जो छोटे साइज का है। ये वाला लिड जो है डो का, ये बड़ा है, तो इस तरीके से इसका लिड लग जाता है। यहाँ पर हम गाजर वगैरह डालेंगे और ऊपर से इसका अटैचमेंट लगा के उसको दबा देंगे। इसके साथ ये स्पैचुला मिला है जो प्लास्टिक का है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फूड प्रोसेसर को आप फिट कैसे करेंगे। तो ये जो फूड प्रोसेसर है वो इस तरीके से फिट होता है और इसको आपको लॉक करना पड़ता है तभी ये यूज हो पाएगा। तो इसके साथ ये फ्री की अटैचमेंट मिली है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं ब्लेड वगैरह। तो फूड प्रोसेसर के बारे में जितना मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।